दिल्ली एनसीआर के लोगों की राय है, लोगों का कहना है, मगर दूसरी तरफ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से बड़े बच्चे सभी परेशान हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर के आम जनता क्या कह रही है, सुनिए। तो आजकल वेदर चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और हम इम्प्रूव भी नहीं कर रहे हैं। हम एंटी पोल्यूशन पटाखे बनाते हैं लेकिन हम उसको जला नहीं पाते। हमारी पब्लिक इम्प्लीमेंट नहीं करती है सब और वो उसको यूज़ भी नहीं करती। और इस तरह से हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग भी नहीं हो रहा, वो हम उसको फेंक देते हैं। हम इस पोल्यूशन का कारण है क्योंकि इस स्कूल बहुत पोल्यूशन हो रहा है क्योंकि बहुत लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन पटाखे नहीं जलाए और गंदे पटाखे जलाए जिससे रेवोल्यूशन होते हैं, जैसे बड़े बड़े बम, जैसे आलू बम, बड़े बड़े बम जैसे, और इस वजह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और बूढ़े लोगों को, छोटे बच्चों को सांस लेने की दिक्कत हो रही है। पोल्यूशन रोकने के लिए सबसे पहले हमको जो है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोला है कई जगह पे टॉवर्स लग गए हैं जिससे कि पोल्यूशन को स्टॉप किया जा सकता है। ऐसी टॉवर NCR और दिल्ली के आसपास लगाना चाहिए जिससे कि पोल्यूशन जो है कम हो। और केजरीवाल ने एक सिस्टम अडॉप्ट किया था जैसे ऑड एंड इवन का, 4 नवंबर से 14 नवंबर तक वो एप्लीकेबल है। उसको मैं समझता हूँ कि दिवाली के मौके पर और 2-3 महीने आगे तक लगाना चाहिए जिससे कि ऑड एंड इवन लगे कारों के लिए और जो है पोल्यूशन को रोका जा सके। ये जो पराली का सिस्टम है इसको चेंज, जैसे ट्रैक्टर वगैरह है इस टाइप के, हमने व्हाट्सएप में देखी हैं, मशीनें आती हैं, एक गांव में एक मशीन हो जाए, उसको किराए पे दिया जाए, जो भी है वो जो है उससे जो है उसकी जो पराली है वो सिस्टम को ठीक किया जाए। यहाँ का पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है और ये जो दिवाली पर पटाखे चले वो कम होने चाहिए। तो इसकी वजह से ज़्यादा बड़े बूढ़ों को बहुत दिक्कत आती है, जिनके सांस की बीमारी है उनको तो बहुत मुश्किल हो रही है। ये पंजाब में जो पराली जल रही है वो नहीं जलनी चाहिए, इस पर कुछ बंदिश होनी चाहिए, कुछ इस पर होना चाहिए, रोक होनी चाहिए, तो इससे जो पोल्यूशन साफ हो जाए।